हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ गई है। ये वैकेंसी बिल्कुल रेगुलर है, परमानेंट है। PGT, TGT, PRT, इसके अलावा LDC, UDC कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है। तो अच्छे से जो है वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें समझिएगा यदि आप लोग यहाँ आवेदन करना चाहते हैं। और मेरा मानना है तो बिल्कुल परमानेंट या रेगुलर वैकेंसी आती है तो आप लोग आवेदन जरूर करें। एज, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी चीज़ें समझेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्ट दिखाती हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट है तो ही आपके लिए यूजफुल रहेगा आगे का वीडियो। सबसे पहले आप देखें, रेगुलर बेस पर है यानी परमानेंट है। PRT रेगुलर बेस पर वैकेंसी है, 8 वैकेंसी है। उसके बाद जो है कंप्यूटर प्रोग्राम कम ऑपरेटर रेगुलर वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। अभी सारी चीज़ें समझेंगे, क्वालिफिकेशन क्या कही गई है। लैब असिस्टेंट फिजिक्स की वैकेंसी, LDC एडमिन रेगुलर वैकेंसी, LDC अकाउंट रेगुलर वैकेंसी, अकाउंटेंट रेगुलर वैकेंसी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लाइब्रेरियन की है, TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर की, ये सब भी रेगुलर हैं। TGT म्यूजिक की वैकेंसी है, TGT में साइंस फिजिक्स से वैकेंसी है, TGT साइंस में बायो की वैकेंसी है, TGT हिंदी और संस्कृत दोनों की वैकेंसी है, TGT में इंग्लिश की वैकेंसी है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश की वैकेंसी है, PGT बायो की वैकेंसी है। तो ये सभी जो हैं सभी रेगुलर बेस पर वैकेंसी है। सभी के आगे आप देख रहे हैं, कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, ये सब परमानेंट है। ठीक है, अब जो है क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ 7 CPC के अकॉर्डिंग पे स्केल रहने वाली है, काफ़ी अच्छी सैलरी आप लोगों को मिलेगी। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है आपके पास जो है एक तो होनी चाहिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और बिल्कुल भी जो है 50% से नीचे आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। 50% जो है होने चाहिए, इससे अधिक होने चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं कि 49.9% भी हैं तो नहीं चलेगा, 50% तो चाहिए ही। प्लस आपके पास जो है BEd भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्या चाहिए, तो आपके पास जो है या तो ग्रेजुएशन में आपके जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास BEd भी कंप्लीट होना चाहिए, और आपके पास CTET Paper 2 आपका होना चाहिए। तो ये आपका होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास है तो और भी अच्छी बात रहेगी। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो ये सब, और TGT म्यूजिक के लिए अगर हम बात करें तो डिग्री चाहिए आपकी म्यूजिक में। तो यहाँ पर डिजायरेबल में लिखा है CTET Paper 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए म्यूजिक के लिए। ठीक है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपके पास जो है डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो डिप्लोमा चलेगा फिजिकल ट्रेनिंग, और VPEd अगर आपके पास है तो हायर सेकेंडरी के साथ में। TGT लाइब्रेरियन के लिए जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ में या पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। LDC अकाउंट के लिए जो है आप देख सकते हैं एक जो है वैकेंसी है 50% अंकों के साथ 12th कॉमर्स स्ट्रीम से होनी चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम हो और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो। दूसरी जो है LDC में यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वैकेंसी हैं जिसमें आपकी 12th 50% मार्क्स के साथ में टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट और यहाँ MS ऑफिस का आपकी नॉलेज मांगी जाएगी। लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए आप देख सकते हैं BSc सेकंड डिवीजन या इससे अधिक है, और भी अच्छी बात है, यानी 50% मार्क्स के साथ में फिजिक्स, सिर्फ इतना ही मांगा गया है। ठीक है, अगर आप लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल करें हैं तो यहाँ पर केवल BSc मांगा गया है। ठीक है, चाहे फर्स्ट डिवीजन चाहे सेकंड डिवीजन। उसके बाद लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए भी जो है केमिस्ट्री में होना चाहिए BSc आपकी फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन केमिस्ट्री के साथ में। कंप्यूटर प्रोग्राम कम ऑपरेटर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में और PG डिप्लोमा आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, या BCA या MCA या इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट जो है PRT के लिए जो है 12th अगर आपके पास है 50% अंकों के साथ में और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए अगर आपने BEd किया है और ग्रेजुएशन के साथ में 50% मार्क्स आपके मांगे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि PRT के लिए प्राइमरी टीचर के लिए CTET या आपके राज्य का स्टेट टेट, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं आप PRT में जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपका स्टेट टेट भी जो है क्वालिफाई है। बाकी जो है सी टेट पेपर टू जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए कंपलसरी है। तो वैकेंसी जो है कहाँ की है, तो एयरफोर्स स्कूल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर बेस पर ये वैकेंसी निकाली गई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो है जहाँ पर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करेंगे, जरूरी जो कागज़ हैं, जरूरी जो डॉक्यूमेंट हैं, आप लोगों को क्या क्या जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं। तो यहाँ आप लिखा हुआ है कैंडिडेट आर टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अपने खुद के साइन जरूर करने हैं जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका जो है पूरा डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर जो है वो आप अपना साइन जो है यहाँ कर दें नीचे, ठीक है। तो सभी जितने भी फोटोकॉपी होंगी आपके डॉक्यूमेंट की तो ये साइन जरूर करें आप। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोगों को 10th की मार्कशीट रहेगी, क्वालिफाइंग डिग्री और मार्कशीट आपको लगानी है, ठीक है। ये जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको रखने ही होंगे। डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन जैसे कि 12th मांगी गई है, 12th के साथ में जो है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के साथ में आपने बीएड किया है, ठीक है, ये मांगा गया है। और सीटेट पेपर 1 मांगा गया है। इससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन अगर आपने गेन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है आपके पास, एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप लगा दें, ठीक है। बीएड डिग्री सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल लगाना ही है क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी जो है कंपलसरी है बीएड। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी अगर है तो जरूर लगाएं, और नहीं है तो चलेगा क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। सीटेट पास सर्टिफिकेट आपको लगाना है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड प्राइमरी टीचर्स के लिए, ठीक है, इनके लिए कंपलसरी है। अभी जो है एज की बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर कि महिलाओं को जो है वो बिल्कुल 10 साल की छूट मिल रही है चाहे किसी भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहें। तो यहाँ पर पीजीटी के लिए जैसे 36 साल है तो इसमें आप जो है वो 10 साल जो है यहाँ पर जोड़ लें, ठीक है, तो यानी 46 ईयर टीजीटी के लिए जो है आप लोग 10 साल यहाँ जोड़ लें। जो भी महिलाएं हैं चाहे किसी भी कैटेगरी की हैं, सामान्य कैटेगरी की महिलाएं हैं, किसी भी राज्य की महिलाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 42 ईयर, ठीक है। इसी तरीके से पीआरटी की अभी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ जो है 10 साल की छूट जो है एज लिमिट पीजीटी टीजीटी पीआरटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। 15 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है। और वेन्यू यानी जगह कहाँ रहेगी जहाँ फॉर्म फिल करके जो है जमा करवाएंगे, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड न्यू दिल्ली, ये पिन कोड है। तो या तो आप अगर आसपास रहते हैं तो वहाँ बाय हैंड भी दे सकते हैं, और अगर आप दूर रहते हैं तो बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, सिंपल पोस्ट बिल्कुल ना करें। ₹300 जो है आप लोगों को यहाँ पे करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यहाँ आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिमांड ड्राफ्ट जो है आप लोगों को ₹300 का बनवाना होगा। ये मेन वेबसाइट जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ये इस तरीके का जो है एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसकी 3 जो है साइट दी हुई है, ये देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट दी हुई है 3, तो आप किसी पर भी जाकर जो है एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि ध्यान में रखनी है, यहाँ पर अगर आप फॉर्म फिल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से भरना है, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसे आप पूरा करते हैं तभी आप लोगों को रिटन टेस्ट के लिए जो है बुलाया जाएगा। सबसे पहले लिस्ट जो है वेबसाइट पर आ जाएगी जिसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूंगी ताकि आप लोग 29 दिसंबर फ्राइडे के दिन जो है उसे देख सकें कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। उसके बाद जो है रिटन टेस्ट आप लोगों का होगा, और 20 जनवरी 2024 सैटरडे के दिन और 21 जनवरी ये 2 दिन हैं, ठीक है, आप लोगों को उस लिस्ट में पता लग जाएगा कि आपका जो है 20 जनवरी को है या 21 जनवरी को पेपर है। तो पीजीटी सभी सब्जेक्ट का जो 9:30 से 11:30 बजे तक होगा, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट में भी जो है इसी समय होगा, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट में 12 से लेकर 2 बजे तक रहेगा, और नॉन टीचिंग पोस्ट जो है 12 से लेकर 2 बजे तक रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है रिटर्न टेस्ट भी कहाँ होगा, तो ये स्कूल का एड्रेस ही है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड न्यू दिल्ली, और ये पिन कोड है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद देखें जो भी कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में जो है पास हो जाएंगे, तो ये भी जो है इन्होंने मेंशन कर दिया है कि इन सब्जेक्ट वाइज डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू,
ये क्या रहेगा, तो ये भी मेन वेबसाइट पर आ जाएगा 6 फरवरी 2024 ट्यूसडे को, ठीक है। ओनली दोज कैंडिडेट वो क्लियर द रिटन टेस्ट, जो भी रिटन टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तो उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सारी चीज़ें मेंशन हैं। अब यहाँ पर जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ एलिजिबल रहने वाले हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, विज्ञापन देखने के लिए मेन वेबसाइट पर चले आना है, एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड में रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहा है, इसे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ सेशन 2024-25, इस पर जो है क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म ये आ जाएगा। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ रेगुलर सेशन 2024-25, क्लिक हेयर, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा विज्ञापन, ठीक है। तो इसे आप जो है दोबारा से पढ़ लेंगे और टाइम रहते ही जो है आप लोग फॉर्म फिल करते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 300 रुपीज़ ही है हर पोस्ट के लिए,